और आज महत्वपूर्ण यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लाइट अपनी गोल हो गई थी है ना, अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 200 नंबर से। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दो जल्दी से और स्टार्ट करते हैं। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित विचार किसका है, सभी लोग बताइए जल्दी से, चयन करो फटक से। 200 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, निराला का कथन है, माता प्रसाद गुप्त का है, रामचंद्र शुक्ल का है, किसका है? 200 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और सभी लोग बता रहे कि सर ना तो कबीर को पूरा अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी, एक कथन चयन करना, ये कथन किसका है? सभी लोगों ने बताया कि सर ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का, रामचंद्र शुक्ल है। डी नंबर आपका सही होगा यहां पर, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है। रासो के बारे में कथन कहा गया कि रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है, तो चयन करिए बताएं, रासो लोक प्रचलित नाट्य रासो से निकला हुआ प्रतीत होता है। निकला हुआ कौन, निकला हुआ हजारी प्रसाद, निकला हुआ कौन, अपन बोलते ना मेरा बच्चा निकल गया है ना, तो निकला हुआ प्रतीत होता है कौन, बोले बच्चा निकला हुआ प्रतीत होता है। लोक प्रचलित है ना, लोक के प्रचलन से बच्चा निकला हुआ प्रतीत होता है, इस प्रकार से याद कर लेना। रासों से डी नंबर आपको बिल्कुल सही है ना। और आपको पता है कि बच्चे को भी रास नहीं आता, कई चीजें रास नहीं आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना, मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है, एक कथन बताना है। मतिराम की सी चयन करिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, 202 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए हरिश्चंद्र जी, सुषमा जी जल्दी से बताएं, चयन करें। और दोस्तों अपनी जो छुट्टी रहेगी वो 23 तारीख को तो अपना रविवार है ही है ना, तो 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक ये अपनी क्या रहेगी, क्लास की छुट्टी रहेगी। ठीक है, 9 वाली क्लास यथावत आएगी, प्रीमियर क्लास आएगी 9 वाली है ना, तो यहां पर याद रख लेना। तो 23 से 27 ठीक है, मतिराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है, ये कथन 202 नंबर का क्वेश्चन है। और उत्तर है कि सर कथन है रामचंद्र शुक्ल का, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, संदेश रासक की तरह बीसल देव रासो एक गेय काव्य है, ये कथन किसका है, 203 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ। संदेश रासक की तरह बीसल देव रासो एक गेय काव्य है, गेय काव्य है, 27 तक छुट्टी रहेगी। संदेश रासक की तरह बीसल देव रासो एक गेय काव्य, कथन किसका है, डॉक्टर बच्चन से, विजय देव नारायण शाही, प्रेमचंद या फिर पंत है। 23 तारीख से रहेगी और 23 से यानी कि परसों से है ना, कल क्लास चलेगी। संदेश रासक की तरह बीसल देव रासो एक गेय काव्य है, ये कथन किसका है, कथन बताना है। 203 नंबर का क्वेश्चन है और 203 नंबर का शानदार क्वेश्चन है कि सर संदेश रासक की तरह बीसल देव रासो भी गेय काव्य है ना, और गेय काव्य बोले सर गेय काव्य तो बच्चों का काम है, गेय काव्य किसका काव्य है, ये बच्चों का है, बोले सर संदेश भेजना भी बच्चों का काम है। संदेश रासक बीसल देव रासो बच्चन से है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्ई का हुआ उतना और किसी का नहीं, इसका एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रतन माना जाता है, एक एक रतन माना जाता है, बताइए जल्दी से। 204 नंबर का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सस्सई का हुआ उतना और किसी का नहीं, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रतन माना जाता है, ये कथन किसका है। 204 नंबर का क्वेश्चन है, 204 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी को बताना है कथन किसका है, बताइए जल्दी से 204 में। और 204 नंबर का सभी आंसर लगा रहा है कि सर
ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ उतना और किसी का नहीं, शुक्ल जी का है कथन। दादा कहेंगे ऐसा दादा, ठीक है। विद्यापति एक और अभट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में, कथन किसका है? अभट्ट और मैथिली, विद्यापति के बारे में पांच नंबर का क्वेश्चन। एक और अभट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में लिख रहे थे, 205 नंबर का शानदार क्वेश्चन। एक और अभट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में लिख रहे थे, ये कथन किसका है? कथन बताना है सुभाष चंद्र जी। विद्यापति एक और अभट्ट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में, ये कथन है किसका? बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह का कथन है, बी नंबर आपका सही है। विद्यापति जी के बारे में बी नंबर राइट आंसर है, ठीक है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। 206 नंबर का क्वेश्चन है, पवन कुमारी जी बताइए जल्दी से। 206 में शानदार क्वेश्चन, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है, ये कथन किसका है? ये कथन यानी कि 206 नंबर का क्वेश्चन है, 206 का कौन कौन सही उत्तर बता रहा है? 6 नंबर में बिहारी की सी रस व्यंजना, जल्दी से बताइए। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है दोस्तों, दोनों में द्वंद्वात्मक संबंध होता है, कथन के साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है, तो अब बताइए कथन किसका है? चयन करिए, 207 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, कथन बताना है आपको 207 में, और 207 का कथन क्या है? लोक भाषा साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा भी साहित्य से प्रभावित होती रहती है ना, तो यहां पर डबल बात हो गई है, और डबल बात बच्चन से अपन को याद कर लेना, एक कथन है साहित्य की लोक भाषा, साहित्य की भाषा लोक भाषा से बनती है और लोक भाषा साहित्य से प्रभावित होती रहती है, यानी कि आपका जो यहां पर आपको याद रख लेना है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, बहुत बढ़िया। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए, ये प्रोमन्न है ना, प्रोन्मत्त कवि थे, अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसी से इनकी रचना में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इसके का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, ये कथन किसका है? है ना, जैसे अपन बोल देते इसके का दर्द, उसे कहा जाता है प्रेम की पीर, प्रेम की पीर, है ना। यहां पर प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए, आलम की गणना बताइए जल्दी से। एक 208 नंबर का क्वेश्चन है, 208 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे और ये कथन किसका हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अपन को याद रख लेना है कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, बोले सर प्रेम की पीर हो या इश्क का दर्द, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कौन, बोले दादा शुक्ला जी समझ सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल है ना, तो रामचंद्र शुक्ल अपन को याद कर लेना, इनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि किसको प्रेम की दर्द है किसको इसके का दर्द है, यही समझते थे सब, कौन कवि को काय का दर्द है ना, तो याद कर लेना है। आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए, ये प्रेम की पीर या इसके का दर्द इनके एक एक वाक्य में है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है, शुक्ल जी से अच्छा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे, अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। कबीरदास में उलटवासियों और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं, विचर्या पदों में पहले से ही विद्यमान है, कथन किसका है? जल्दी से बताइए, हाँ पद्माकर भी, कबीरदास में जो उलटवासियों और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं, विचर्या पदों में पहले से ही विद्यमान है, ये कथन किसका है? ये कथन बताना है, उलटवासियों और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं,
चर्या पदों में पहले से विद्यमान है। 209 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है उलटवासी है ना, आपको पता है बच्चे उलटवासी ज्यादा करते हैं। बच्चे लोग, बच्चों को बोलो कि हम मार देंगे, बच्चा उलट के बोलेंगे हम भी मार देंगे, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, उलटवासी ज्यादा करते हैं, बोले सर बच्चे। तो कबीरदास में जो उलटवासियों और सूर में दृष्टिकूट दिखाई देते हैं, है ना, ये कथन बच्चन से का है। आ नंबर आपका शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त और रचनाकार, भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः यही कया धर्म निरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। ये कथन किसका है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिका, भक्त और रचनाकार की भूमिका, 210 नंबर का क्वेश्चन है, ये कौन कहेगा, बताइए कौन कहेगा, जिसको जिसको क्या पता होगा, बोले सर जिसको स्वरूप पता होगा वही कहेगा कि भक्त और रचनाकार की भूमिका निभाई है। भाई उनको पता है स्वरूप किसका, तुलसी का स्वरूप पता है ना, तुलसी का स्वरूप पता है, तो उन्होंने बता दिया कि इन्होंने भक्त और रचनाकार दोनों की भूमिका निभाई है। किसने, तुलसी ने। तो स्वरूप पता चलेगा तभी आप बता पाओगे, यानी कि उत्तर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है ना। तो ये नंबर राम स्वरूप चतुर्वेदी, स्वरूप पता है तभी तो बता पा रहे। विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, 211 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, ये कथन किसका है, 211 नंबर का क्वेश्चन है। 211 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, बताइए बताइए जल्दी से, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना, ये कथन किसका है, कौन कहेगा ऐसा कथन। कौन कहेगा ऐसा कथन, विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, ये कथन किसका है। शानदार कथन पूछा गया और ये कोई बच्चा ही कहेगा, बोले सर बच्चा। तो बच्चन से का कथन है कि विद्यापति पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, ये कथन बच्चन से है। ये नंबर शानदार क्वेश्चन है। नाथ पंथियों की एक नई जाति बन गई, ना हिंदू ना मुसलमान, ये कथन किसका है, 212 नंबर का क्वेश्चन। नाथ पंथियों की एक नई जाति बन गई, ना हिंदू ना मुसलमान, कथन किसका है, फटाक से बताना है, चयन करना है, शानदार क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए कि कथन किसका है, कथन बताना है। नाथ पंथियों की एक नई जाति बन गई, नई जाति, 212 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं कि सर बच्चों की एक नई जाति बन गई, बच्चों की, बच्चों ने एक नई जाति बना ली, बोले बच्चों की नई जाति, बच्चों की नई जाति, तो एक नई जाति बन गई किसकी, बच्चों की। तो एक नई जाति यहां पर पकड़ना है। तो ये बच्चों से, बच्चन से का कथन है, नाथ पंथियों की एक नई जाति बन गई, ना हिंदू ना मुसलमान, कथन है बच्चन से का। तीन नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है, कथन किसका है, 213 नंबर में बताइए। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है, नीचे ही रह जाती है, ये कथन किसका है, ये कथन बताना है, चयन करना है। तो 213 नंबर का क्वेश्चन है। 213 में भावों का उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता, बिहारी में नहीं मिलता, केशव में नहीं मिलता, ऐसे कथन कौन करेंगे, दादा, दादा यानी कि शुक्ला जी आ गए, रामचंद्र शुक्ल, ये नंबर आपका सही है, ठीक है। उनकी श्रृंगारी है ना,
कविता उनकी श्रृंगारीय पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती। ये सब रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि प्रेम की उच्च भूमि पर पहुंची है कि नहीं पहुंचे, है ना। यहां पर ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। राम भक्ति काम में तुलसी के बाहर कुछ है, है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है, कथन किसका है। राम भक्ति काम में अगर तुलसी के बाहर कुछ है तो वह निस्तेज है, निष्प्रभ है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। 214 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, सभी लोगों को आंसर बताना है और ये कथन किसका होगा बताओ। बोले सर बच्चा बच्चा भी तुलसीदास जी के बारे में बोलता है कि तुलसीदास राम भक्ति धारा के महान कवि हैं, है ना। तो राम भक्ति काम में तुलसी के बाहर जो कुछ है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है, है ना। तो ये अपन को याद कर लेना, 214 नंबर का क्वेश्चन है और 214 में ये कथन भी बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह का कथन सी नंबर, राम भक्ति काम में तुलसी के बाहर कुछ है तो वह निस्तेज है, निष्प्रभ है, कथन बच्चन सिंह का है। डॉक्टर सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। घनानंद साक्षात रसमूर्ति है और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है, कथन किसका है। 215 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताना, यहां पर ऐप से पढ़िए, ऐप से पढ़ना है आपको। घनानंद साक्षात रसमूर्ति है और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है, ये कथन किसका है, है ना। अपनी छुट्टी है 23 तारीख से 27 तारीख तक, 23 से छुट्टी 27 तक, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी जिनको पढ़ना है वो रिकॉर्डेड से पढ़ते रहेंगे, कथन भी आपके ऐप में डल जाएंगे, उसमें जाके आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, घनानंद साक्षात रसमूर्ति है, ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में ये कथन किसका है, 215 नंबर का क्वेश्चन है और 215 नंबर के सभी लोगों ने आंसर लगाया कि सर ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य में एक ही कवि है जायसी, शेष लकीर के फकीर हैं, शेष लकीर के फकीर हैं, बताओ। 216 नंबर का इतना अच्छा क्वेश्चन है, 216 में शेष लकीर के फकीर हैं, है ना। कई लोग बोलते हैं ना कि तुमने हमारे बच्चे को लकीर का फकीर बना दिया, तुमने हमारे बच्चे को लकीर का फकीर बना दिया, तुमने हमारे बच्चे को लकीर का फकीर बना दिया। तो शेष लकीर के फकीर हैं, शेष लकीर के फकीर हैं, मेरे बच्चे को लकीर का फकीर बना दिया, किसको, बच्चे को, है ना। तो यहां पर अपन को याद कर लेना है, ठीक है। तो ये बच्चे से हो जाएगा, बच्चन सिंह का कथन बी नंबर आपका सही है। सूफी काव्य में एक ही कवि है जायसी, शेष लकीर के फकीर है, डॉक्टर बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांग दर्शी कवि थे, कथन किसका है। 217 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए जल्दी से, फटाक से बताइए। ऐप में लाइव क्लास नहीं चलती, ऐप में रिकॉर्डेड वाली रिकॉर्ड हो जाती, स्टोर हो जाती है, अमरपाल जी यहीं पर चलती है लाइव क्लास, प्राइवेट वाली, है ना। तो यहां पर जल्दी से बताइए, जल्दी फटाफट से चयन करिए। ठाकुर प्रधानता है, जल्दी से बताओ, ठाकुर प्रधानता है, जल्दी से चयन करिए। ठाकुर प्रधानता है प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांग दर्शी कवि थे, 217 में, और 217 में ये जो कथन है वो कथन है रामचंद्र शुक्ल का, यानी कि आ नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है, ये नंबर रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। सूर सागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता है, ये कथन किसका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सूर सागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता है, असमाप्त रहता है, कथन किसका है, शानदार कथन पूछा गया है। सूर सागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता है, डॉक्टर बच्चन सिंह, निराला नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर देवराज। 218 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सूर सागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता है, कथन, कथन बताना है और ये कथन किसका है। सूर सागर, सूर सागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता, असमाप्त, है ना।
और सर एक कथन तो बच्चन सिंह का ही है, सूर सागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता है। किसका? बोले बच्चों का सूर सागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता है। बच्चों का सूर सागर समाप्त होकर भी किसका? बच्चों का सूर सागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता। बच्चों का ये कथन बच्चन सिंह का हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहा है। ठीक है, यहां पर आते हैं दोस्तों। ऋतु वर्णनों में द्विजदेव के हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, कथन किसका है? ऋतु वर्णनों में द्विजदेव के हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। 219 नंबर का कथन है। ऋतु वर्णनों में द्विजदेव के हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, कथन किसका है? निराला का, कामता प्रसाद गुरु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल का। 219 का शानदार क्वेश्चन है और 219 में सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर ऋतु वर्णनों में द्विजदेव के हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, ये कथन है, ये कथन किसका है? ये कथन 219 में और 219 में कथन रामचंद्र शुक्ल का है। डी नंबर आपका सही है, डी नंबर बहुत बढ़िया। आधुनिक शब्दावली में हनुमान बाहुक मृत्यु पीड़ा की चीख कहां, आधुनिक शब्दावली में हनुमान बाहुक मृत्यु पीड़ा की चीख कही जाएगी, ये कथन किसका है? कही जाएगी, बताइए। आधुनिक शब्दावली में हनुमान बाहुक मृत्यु पीड़ा की चीख कही जाएगी, डॉक्टर देवराज बच्चन से। 220 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। बोले सर मृत्यु की पीड़ा की चीख किसने सुनी, है ना? बच्चों ने सुनी। मृत्यु की पीड़ा की चीख किसने सुनी? बच्चों ने, तो डॉक्टर बच्चन से है। डी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है, मृत्यु की पीड़ा की चीख बच्चों ने सुनी है, डी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं, कथन किसका है? शानदार कथन है और जल्दी से बताइए, चयन करिए दोस्तों। हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं, कथन किसका है? 221 नंबर का शानदार कथन है। 221 में हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। 221 नंबर का क्वेश्चन है, 221 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और आपका उत्तर है कि सर ये जो कथन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। बी नंबर आपका बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि है पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, महाकाव्यात्मक त्रासदी, यानी कि 222 नंबर का क्वेश्चन है। 222 नंबर के क्वेश्चन में बताइए पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक त्रासदी, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा, तो बताइए। चयन करिए जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है, ये आपको बताना है। लाला भगवान दीन ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, राधाचरण गोस्वामी ने, प्रेमचंद ने, है ना? तो यहां पर एक बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है कि सर राजनीति में बच्चों की महाकाव्यात्मक त्रासदी कर दी है। बच्चों की क्या कर दी? बोले महाकाव्यात्मक त्रासदी कर दी किसने? राजनीति ने, है ना? राजनीति में बोले सर त्रासदी कर दी किसकी? बच्चों की त्रासदी कर दी, बच्चों की, राजनीति ने तो बच्चों की त्रासदी कर दी, त्रासदी। डी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। हिंदी भक्ति काव्य का क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, कथन किसका है? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये कथन बताना है। 223 नंबर का क्वेश्चन है, 223 में सभी साथी बताएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 223 में हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये कथन किसका है? 223 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और ये अपन को क्रांतिकारी में अपन को याद रख लेना कि क्रांतिकारी कौन बनेंगे। बच्चे बोले सर क्रांतिकारी बनेंगे। बच्चे क्या बनेंगे? क्रांतिकारी बनेंगे बच्चे। तो यहां पर अपन को क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, ये कथन है,
डॉक्टर बच्चन सिंह का डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बोले सर बच्चे क्या बनेंगे? क्रांतिकारी पुरस्कर्ता बनेंगे, बच्चे बनेंगे ना क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, ये कथन किसका है? बहु वस्तु स्पर्शनी, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, 224 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग चयन करेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में कथन किसका है 224 में? आज लाइट बहुत परेशान कर रही है दोस्तों दिन भर से, है ना। तो यहाँ पर 224 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर जा रहा है कि सर बहु वस्तु स्पर्शनी, बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा एक ही व्यक्ति में थी और वो थे कौन? रामचंद्र शुक्ल। ये बहु वस्तु स्पर्श, बहु वस्तु को स्पर्श करने वाले थे, है ना, बहुत सारी चीजों को जानने वाले थे। आ नंबर आपका सही है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा, ये कथन बताना 225 नंबर में। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा, 225 नंबर का शानदार क्वेश्चन है 225 में। सभी लोग आंसर बताएंगे और आपका उत्तर है कि सर हमारे बच्चे में मोटापा बहुत है, मोटापा है। बोले बच्चों बच्चे में मोटापा है, किसको मोटापा है? बोले हमारे बच्चे को मोटापा हो गया है, मोटापा, मोटापा यानी बी नंबर। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा, कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटकों से हुआ, बताओ। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है, कथन किसका? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों इतना शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट से लाइक करिए जल्दी से। चयन करिए जल्दी से। और यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सभी लोगों ने बताया कि सर विलक्षण बात यह है 226 नंबर के क्वेश्चन में, 226 में सभी का आंसर चला गया है रामचंद्र शुक्ल, विलक्षण बात यह है रामचंद्र शुक्ल। डी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, सौदागर बहुत अच्छा, कविता के सौदागर थे रीतिकालीन कवि, रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, कथन किसका है? 227 नंबर का क्वेश्चन है, कविता के सौदागर थे 227 में, रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, ये कथन किसका है? पदम से शर्मा का, बच्चन से, नामवर से, विजय देव नारायण शाही का। और सभी लोगों का आंसर है कि सर रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, ये जो कथन है 227 में, सभी लोगों का आंसर है बच्चन, है ना, बच्चे, बच्चे जो होते वो सौदागर होते, बच्चे बड़े सौदागर होते। बी नंबर, बच्चे कैसे होते हैं? बोले सर सौदागर होते हैं, बी आपका शानदार है, बच्चे सौदागर होते हैं, ठीक है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्ट और पुष्टि के लिए, स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, कथन किसका? 228 में, बच्चे कैसे होते? सौदागर होते, बहुत बढ़िया। अब यहां पर 228 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपको बताना है, तो चयन कर दो जल्दी से। करुणा, और करुणा की बात कौन करेंगे? करुणा, करुणा बताइए। तेज प्रकाश जी, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है, ये नंबर शानदार क्वेश्चन है। अगला है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? 229 में, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, एक मिशन के तहत लिख रहे थे, आगे विजय देव नारायण शाही, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर डॉक्टर बच्चन से, 229 नंबर का शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बता दो। 229 में, और सभी लोगों ने बताया कि सर कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन, एक मिशन, है ना, बोले सर कबीर और तुलसी एक मिशन के तहत लिख रहे थे,
तो आपको पता है कि कबीर और तुलसी के प्रति एक मिशन बनाया है। किसने बनाया है? ठीक, किसने बनाया? बच्चों ने बनाया, बच्चों ने, है ना। तो कबीर और तुलसी का के लिए एक मिशन बनाया है। किसने? बच्चों ने। बच्चों ने बनाया, डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बच्चों ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, सभी लोग लाइक कर दो। जैसे वीर कर्म से पृथक, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं, कथन किसका है? 230 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। आनंद जी, ये टेस्ट हो रहा है? टेस्ट नहीं हो रहा तो क्या हो रहा? ये टेस्ट ही तो हो रहा है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व तो कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। इनको बार बार देखो, 230 नंबर का क्वेश्चन है, 230 में शानदार क्वेश्चन है, और 230 का है कि सर जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं, ये कथन है, ये कथन है। ठीक है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी, मैंने उसमें लिखा कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है, कथन किसका है? एक चुनौती है, बताइए। 231 नंबर में, 231 में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मेरी जल्दी से बताइए, 31 में मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी, मैंने उसमें लिखा कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। एक चुनौती, तो आपको पता है कि सर भारत में शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। कहां पर? भारत में तो एक कथन भारतेंदु जी का है, ये नंबर याद रख लेना, है ना। आप लोग तो वही में थे कि एक कथन बच्चन का आ रहा है, एक कथन आ रहा है रामचंद्र शुक्ल का, अब वही लगा रहे थे आप लोग, एक कथन में रामचंद्र शुक्ल ढूंढ रहे थे, एक में बच्चन ढूंढ रहे थे। देखो बच्चन ढूंढते आए हैं, है ना। ये कथन भारतेंदु जी का आ गया यहाँ पर, आ नंबर सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, खा गए ना, हो गए गड़बड़ हो गए। तुलसी की वाणी एक और तो व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोकपत में आकार पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है, कथन किसका? 232 नंबर का प्रश्न बताना है, 232 में, 232 का शानदार क्वेश्चन, पकड़ी गई ना, पकड़े गए, बहुत बढ़िया, है ना। 232 का क्वेश्चन बताइए जल्दी से। तुलसी की वाणी एक और व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पथ में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है, तो शुद्ध भगवत भजन कौन करता है? हिंदी साहित्य में शुद्ध भगवत भजन कौन करता है? तो शुद्ध भगवत भजन करते बोली सर कौन? रामचंद्र शुक्ल। ये शुद्ध भगवत भजन करते हिंदी साहित्य का, तो ये रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर आपका सही है, शुद्ध भगवत भजन। कामायनी की दूरी जिस श्रद्धा पर आधारित है वह बदले हुए युग की देन है, कथन किसका है? कामायनी की दूरी जिस श्रद्धा पर आधारित है वह बदले हुए युग की देन है। 233 नंबर का क्वेश्चन है, 233 नंबर में आपको बताना है, बताइए, चयन करिए। कामायनी की दूरी जिस श्रद्धा पर आधारित है वह बदले हुए युग की देन है, और आपको बताइए जल्दी से बताओ किसका कथन है? 233 नंबर का क्वेश्चन है, कथन बताइए। कामायनी की दूरी जिस श्रद्धा पर आधारित है वह बदले हुए युग की देन है, ये कथन भी किसका है? ये कथन है दोस्तों किसका? बच्चन का। बच्चन लगा दिए ना, बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको पता है कि सर आजकल के जो बदले हैं बच्चे हैं ना, ये बदले हुए युग की देन है। आपको पता है बच्चे बहुत होशियार पैदा हो रहे हैं आजकल के, 1 साल के हो गए उनको मोबाइल चाहिए, दिन भर मोबाइल, है ना। बोले सर ये बच्चे जो पैदा हो रहे हैं बदले हुए युग की देन है, बदले हुए युग की देन है, है ना। डी नंबर, ये भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण रूप प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, 234 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, और 234 में
सभी लोगों का आंसर है कि सर हृदय मंदिर में विराजमान है। तुलसीदास किसके हृदय मंदिर में विराजमान है ना, तो ये हृदय मंदिर में विराजमान है किसके, रामचंद्र शुक्ल के। तो ये कथन जो हृदय मंदिर वाला कथन है, तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं कथन, ये नंबर रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। ये 235 नंबर का क्वेश्चन है, 235 में सभी लोग बता दो जल्दी से, 235 बताओ। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे, देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। और सौदागर के बारे में तो अपन ने पढ़ा ही है कि सर सौदागर होते, आजकल के बच्चे तो सौदागर होते हैं, बच्चे क्या होते, सौदागर होते कि नहीं, मम्मी से बोलते हैं कि ये टॉफी दोगे तभी हम काम करेंगे, है ना, बोले मुझे मोबाइल दिलाओगे तभी हम पढ़ाई करेंगे, मुझे साइकिल दिलाओगे तभी, सौदागर होते आजकल के बच्चे। तो सौदागर से अपन को बच्चन से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा, कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा, 236 नंबर का, 236 में बता दीजिए जल्दी से, 236 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं कि सर कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति किसने कहा। तब आपका राइट आंसर होता है कि सर कविता को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कहा है आचार्य शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पहले आदिकाल मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को ले, इस तरह काल विभाजन अब पुराना पड़ गया। ये कथन किसका है, काल विभाजन पुराना पड़ गया। 237 नंबर का क्वेश्चन है, 237 में सभी लोग बताएंगे। और बोले सर बच्चों का काल विभाजन पुराना पड़ गया, बच्चों का काल विभाजन क्या हो गया, पुराना पड़ गया, बच्चों का काल विभाजन क्या हो गया, हाँ अब तो मोबाइल, तो बच्चों का काल विभाजन पुराना पड़ गया, पुराना, तो अब डॉक्टर बच्चन से डी नंबर, बच्चों का काल विभाजन पुराना पड़ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकर्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को माना है, ये कथन बताइए किसने माना है। हिंदी में समालोचना के सूत्रपात का श्रेय बालकर्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को माना है, किसने, नीलम जी, प्रियंका जी बताइए। 238 नंबर का क्वेश्चन है, रीता कांत जी 238 में शानदार क्वेश्चन है और आपको पता ही है कि सर ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है, सा नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है, ये कथन बताओ। 239 भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है, ये कथन किसका है, कथन बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ दिवाली में सारे कथनों को याद करना है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, समझ जाना क्या हो जाएगा। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण, ये कथन किसका है, 239 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोगों का शानदार क्वेश्चन आना चाहिए। 240 से फिर अपन बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, है ना। उत्तर है कि सर ये भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 का समय है, वो बच्चन से अपन को याद कर लेना है, ठीक है, याद रख लेना, क्योंकि 1 से लेके 14 तक बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषा सीखते कि नहीं सीखते, 1 से लेके 14 तक बच्चे भाषा सीखते हैं, तो 1 से 1000 और 14 से 14000, 1000 से लेके 14000 तक बच्चे, यानी कि सी नंबर आपका शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अध्ययन करना है रेगुलर, इसी प्रकार से पढ़ते रहना है। सभी साथियों को धन्यवाद, जय हिंद।